Hello students, in the series of general technique of seed production in agricultural crops, we will discuss about rice today. In the previous video, we had discussed about wheat and now rice. Rice is also known as paddy and the botanical name is Oryza sativa. So, the first general technique is land requirement. Land requirements. The first requirement is land should be free from volunteer seedlings or plants. The second requirement is the selected plots should be leveled honi chahiye. And the third important requirement is soil, preferably clay loam soil honi chahiye, properly leveled honi chahiye और volunteer seedlings नहीं पाए जाने चाहिए. The second one is isolation. As we know, paddy is a self-pollinated crop. But sometimes natural cross pollination may occur, and the chances is approximately 0 to 6.8%. So for pure seed production, the field must be isolated from other fields of rice approximately 3 meters. 3 meter का isolation होना चाहिए other paddy field से. The next one is cultural practices. The paddy crop can be grown by two methods. First is direct sowing and the second is by transplanting. दो मेथड होता है. पहला मेथड है डायरेक्ट सोइंग करा दी जाती है, सीड्स को शो कराया जाता है, और दूसरा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग. तो ये दो मेथड पाए जाते हैं. तो फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए इट इज डिजायरेबल टू ग्रो पैडी अंडर puddle and transplanting system. Seed production के लिए हम transplanting system को follow करते हैं. Puddle क्या होता है? Puddle जहाँ पे पानी भरा हो, जैसे पोखरा होता है, उसी को कहते हैं क्या? Puddle. तो सीड प्रोडक्शन के लिए जो कल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांटिंग मेथड के बारे में. देखिए, ट्रांसप्लांटिंग मेथड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है. जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है selection of land
फॉर नर्सरी। नर्सरी के लिए सबसे पहले लैंड का सिलेक्शन करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों इसलिए होता है? क्योंकि हमें ऐसे प्लॉट का या ऐसे पीस ऑफ लैंड का चुनाव करना होता है जहाँ पर वॉलंटियर सीडलिंग्स या वॉलंटियर प्लांट्स न पाए जाते हों। द सेकेंड टेक्निक इज टाइम ऑफ सोइंग। सोइंग का टाइम क्या होगा? इट इज फ्रॉम 25 मई टू 25 जून। 25 मई से 25 जून के बीच में सोइंग हम कराते हैं। उसके बाद थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ बेड्स। बेड्स का प्रिपरेशन मतलब नर्सरी के लिए जो हम लोग बेड तैयार करते हैं उसको कहते हैं बेड। इसमें देखिए जो सॉइल होती है वो शुड बी पल्वराइज्ड बाय रिपीटेड प्लगिंग। बार बार उसमें जुताई की जाती है जिसकी वजह से जो वहां की सॉइल होती है, जो नर्सरी बेड होता है, उसकी सॉइल कैसी हो जाती है? पल्वराइज्ड हो जाती है। पल्वराइज मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। उसके बाद देखिए फ्लड द नर्सरी प्लॉट पडल एंड लीव इट फॉर 2 डेज। जब बेड का सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं? फ्लड यानी कि पानी से क्या करते हैं? उसको पूरी तरीके से भर देते हैं, और जिसकी वजह से वहां एक छोटा पोखरा टाइप का बन जाता है और उसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही छोड़ देने से क्या होता है? वहां की जो मिट्टी होती है वो उस पर वाटर की एक थिन लेयर क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ सीड बेड्स अबाउट 50 to 60 बेड्स ऑफ साइज 6.0 into 1.5 meter are sufficient for raising seedlings for 1 hectare of land। 1 hectare land में अगर हम 50 से 60 बेड बनाते हैं, नर्सरी बेड बनाते हैं इस साइज का 6 into 1.5 meter, तो 1 hectare जमीन के लिए सफिशियंट होता है। उसके बाद देखिए मैन्योरिंग ऑफ सीड बेड्स। मैन्योरिंग कैसे करते हैं? मैन्योरिंग करने के लिए 450 ग्राम सुपर फॉस्फेट अप्लाई करते हैं पर बेड। हर बेड में 450 ग्राम सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं। 6 पॉइंट, सोर्स ऑफ सीड क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ सीड जो भी हमको न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड जो हमें चाहिए होता है वो हमें किसी भी अप्रूव्ड एजेंसी से ही लेना चाहिए, अप्रूव्ड एजेंसी से ही हायर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सीड रेट। सीड रेट इज अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 ग्राम
पर बेड, एक बेड में 500 से 600 ग्राम सीथ होने चाहिए। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मेथड ऑफ सोइंग। सोइंग कैसे कराएंगे, सोइंग कराने का क्या मेथड होगा? देखिए, सबसे पहले हम सीड्स को लेंगे और सीड्स को सोक कर देंगे, सोक इन वाटर फॉर 16 to 20 आवर्स। सीड्स को सोक कर देते हैं पानी में 16 से 20 घंटे के लिए। उसके बाद 20 घंटे बाद हम वाटर को क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली। वाटर ड्रेन करने के बाद सीड्स को हम केप्ट इन द डार्क, डार्क किसी भी डार्क जगह पे जहां पे अंधेरा हो वहां पर हम सीड्स को क्या करते हैं, एक गठरी बना करके, एक पोटली बना करके वहां पे रख देते हैं, जिससे ऑप्टिमम कंडीशंस उसको मिल पाए पूरी तरह से जर्मिनेट करने के लिए। और उसके बाद आपको जो उसमें स्प्राउटिंग दिखेगी या जो अंकुरित बीज दिखाई देंगे वो आपको दिखाई देंगे 16 to 20 आवर्स आफ्टर सोकिंग। मतलब कि ये वाले स्टेप पे जब आप आएंगे तो करीब 16 से 20 घंटे के अंदर सीड्स में स्प्राउटिंग हो जाएगी। उसके बाद देखिए जो 9th पॉइंट है, आफ्टर केयर एंड अप्रूटिंग टू प्रिवेंट द नर्सरी बेड्स फ्रॉम बर्ड डैमेज। बर्ड डैमेज से बचाने के लिए हम जो नर्सरी बेड्स होते हैं उसमें हमेशा एक्सेस वाटर रहने देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वाटर आ जाता है, सपोज बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, तो उस समय हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अगर पानी आ गया है तो उसे हम निकाल देते हैं। उसके बाद पानी क्यों रखते हैं, इस वजह से क्योंकि जो सॉयल है वो क्या रहेगी, आपकी वेट रहेगी। जब सॉयल वेट रहेगी तो चिड़िया उसे डैमेज नहीं कर पाएगी। उसके बाद देखिए सीडलिंग्स कब रेडी होते हैं, सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटेशन इन अबाउट 3 to 4 वीक्स। 3 से 4 हफ्ते में सीडलिंग्स रेडी हो जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब अपरूटिंग कैसे करेंगे, अपरूटिंग बहुत ही जेंटली करेंगे। अपरूटिंग शुड बी डन वेरी जेंटली। अगर आप बहुत तेजी से अपरूट करेंगे तो हो सकता है कि उसका रूट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। और इस बात का भी ध्यान देंगे ऐसी सीडलिंग जो देखने में वीक लग रही हो उसको आप क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। या मान लीजिए कि कुछ ऐसी सीडलिंग दिख रही है जिसमें आपको डिजीज कुछ दिख रहा है, डिजीज सिम्टम दिख रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। वीक सीडलिंग्स, डिजीज सीडलिंग्स मस्ट बी डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए अब ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपकी सीडलिंग रेडी हो गई है। अब देखिए ट्रांसप्लांटिंग कैसे किया जाता है, तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपको भी आपको लैंड चाहिए, तो लैंड की प्रिपरेशन के लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए। लैंड प्रिपरेशन के लिए लैंड इज प्लग्ड रिपीटेडली अबाउट 2 to 3 times, 2 से 3 बार जिस लैंड पे आपको ट्रांसप्लांटिंग करानी है
उसको आप क्या करेंगे, 2 से 3 बार जुताई करवा देंगे, उसके बाद उसमें पानी भर देंगे। 2 से 3 बार जुताई करके उसमें पूरी तरह से पानी भर देंगे, और पानी भरने के बाद उस जमीन को, उस पीस ऑफ लैंड को आप 10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जो आपका फील्ड है उसको आप क्या करेंगे, फ्लडेड फॉर एप्रॉक्स 10 डेज बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग से पहले उसमें 10 दिन करीब आप फ्लड कंडीशन क्रिएट करेंगे, और 10 दिन बाद ही उसमें आप ट्रांसप्लांटिंग कराएंगे। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में जो एनपीके का रिकमेंडेड डोज है वो है 120/60/60 kg पर हेक्टेयर। ये देखिए एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद थर्ड है मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग का मेथड देखिए, 2 से 3 सीडलिंग्स पर हिल, 2 से 3 सीडलिंग्स पर हिल लगाएंगे, और जो कि होगी 2 से 3 सेंटीमीटर डीप, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में होनी चाहिए। उसके बाद देखिए चौथा स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 20 × 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन वाटर मैनेजमेंट, तो अलाउ 2.5 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऑन द डे ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। जिस दिन करेंगे ट्रांसप्लांटिंग उस दिन आप 2.5 से 5 सेंटीमीटर वाटर इरिगेशन वहां पर आप करेंगे। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है राइस की क्रॉपिंग के लिए, जब भी आपको जरूरत लगे तो आप क्या करेंगे, प्रॉपरली इरिगेट कर देंगे। उसके बाद सिक्स्थ है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स यूज करेंगे, और